नमस्कार। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल किया है उससे काफ़ी लोग खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश हैं कि उन्होंने विपक्षी एकता बनाने के जो प्रयास हो रहे थे उसमें एक बड़ा झटका दिया है तमाम विपक्षी पार्टियों को। सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है, सबसे ज़्यादा तर्क इस पूरे घटनाक्रम को जस्टिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा तर्क यही दिए जा रहे हैं कि जो पटना में विपक्षी पार्टियां जुटी थीं और भाजपा के खिलाफ अगले लोकसभा चुनाव के लिए जो मोर्चा बन रहा था उस मोर्चे को एक बड़ा झटका लगा है। शरद पवार उस मोर्चे के एक बड़े नेता हैं और उनकी पार्टी टूट गई है। उनके भतीजे अजीत पवार एनसीपी के कुछ विधायकों को लेकर के और एनडीए में शामिल हो गए हैं, भाजपा गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है और ये बड़ा झटका है। ये इस आधार पर इस बात को जस्टिफाई किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता या जो उसके समर्थक हैं, जो सोशल मीडिया स्पेस में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के हर काम को सही या गलत ठहराने में जो सही ठहराने में गलत क्या सही ठहराने में जो सक्रिय रहते हैं, वो तमाम लोग इस बात के समर्थन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं या इसको लेकर के स्केप्टिकल हैं। उनको संदेह है कि इसके पीछे कोई दूसरा खेल है जो अभी दिख नहीं रहा है। और एक खेमा ऐसा भी है जो ये मान रहा है कि ये अच्छा नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम वहाँ अजीत पवार को अपने गठबंधन में लेकर के और उनको मुख्यमंत्री बनाकर किया है उससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और अगर उन सवालों पर बारीकी से विचार करें तो ऐसा लगता है कि ये बीजेपी के लिए घाटे का सौदा है, ये बीजेपी के लिए कोई फायदे का सौदा नहीं है। अजीत पवार के रूप में एक बड़ा दाग बीजेपी के पूरी पॉलिटिक्स पर लगा है। उसका जो मोरल हाईग्राउंड था उसके ऊपर जो उसकी मोरल सुपरियोरिटी थी, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते रहे थे कि तमाम विपक्षी पार्टियां भ्रष्ट हैं और तमाम भ्रष्टाचारी एकजुट हो रहे हैं और सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो जो एक मोरल स्टैंड है उससे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। जो आइडियोलॉजिकल स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व की राजनीति का, उस आइडियोलॉजिकल स्टैंड से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। और जो पॉलिटिकल गेन की बात कही जा रही है वो भी होगा या नहीं, इस पर भी संदेह है। तो इस पूरे घटनाक्रम को, महाराष्ट्र के पूरे घटनाक्रम को इन तीन कसौटियों पर देखने की ज़रूरत है। एक जो नैतिक आधार है भारतीय जनता पार्टी का, दूसरा जो वैचारिक आधार है और तीसरा इसका जो राजनीतिक आधार है वो। अब इसको सबसे पहले अगर मोरल ग्राउंड पर जो उसका जो नैतिक कसौटी है उसके ऊपर कसें तो ये भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जो रैली की थी, जहां से उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनाव अभियान का आगाज किया, वहां उन्होंने कहा था कि पटना में 20 कई विपक्षी पार्टियां जुड़ी थी फ़ोटो खिंचवाने के लिए। उन्होंने कहा कि पटना में जुटी जो पार्टियां थी उन्होंने सामूहिक रूप से 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उस 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को उन्होंने पार्टी वाइज अलग अलग भी गिनाया था और ये कहा था कि उसमें 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी का है। एनसीपी मतलब शरद पवार की जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, कि उसका घोटाला 70,000 करोड़ रुपये का है। जो पिछले कुछ समय से जो इस 70,000 करोड़ के घोटाले की जो चर्चा हुई है वो बुनियादी रूप से अजीत पवार से जुड़ी हुई है। अजीत पवार जब जल संसाधन मंत्री थे महाराष्ट्र की सरकार में, तभी से इस घोटाले की चर्चा होती है। इसको सिंचाई घोटाले के नाम से लोग जानते हैं। ये माना जाता है कि उसमें 70,000 करोड़ के फंड का को गायब कर दिया गया, उसका पैसे साइफन ऑफ कर दिए गए और उससे कोई सिंचित एरिया महाराष्ट्र में नहीं बना। वो एक बड़ा घोटाला है। तो ये 70,000 करोड़ का जो घोटाला है वो बुनियादी रूप से अजीत पवार से है, जो जल संसाधन मंत्री रहे हैं। और जब अजीत पवार ने जल संसाधन मंत्रालय छोड़ा तो उनकी जगह जो सुनील तटकरे मंत्री बने थे उनका और अजीत पवार, इन दोनों का नाम आता है। तो अब अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हो गए हैं और सुनील तटकरे की बेटी अदिति तटकरे भी सरकार में मंत्री बन गई हैं। यानी जो दो लोग घोटाले के आरोप में फंसे थे वो उसमें अजीत पवार डायरेक्टली और दूसरे सुनील तटकरे की बेटी मंत्री हो गए हैं। अब सोचिए, ये अजीत पवार कोई साधारण नेता नहीं है, कोई ऐसे नेता नहीं है जिनके ऊपर कोई ईडी सीबीआई ने छापा मारा है और उनके यहाँ से कुछ पैसे पकड़े गए हैं। उस तरह का आरोप, उस तरह के घोटाले का आरोप अजीत पवार के ऊपर नहीं है। अजीत पवार वो नेता हैं जिनको बीजेपी ने करप्शन के प्रतीक के तौर पर पिछले 2.5 दशक से प्रोजेक्ट किया है। उनको करप्शन का एम्बॉडीमेंट बनाया हुआ है महाराष्ट्र में बीजेपी ने। 1999 में जब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनी थी उस दिन से अजीत पवार बीजेपी के निशाने पर हैं।
दूसरी किसी पार्टी ने बीजेपी को कभी अजीत पवार को निशाना नहीं बनाया और न उनको भ्रष्ट बताया। 25 साल से बीजेपी ही अजीत पवार को भ्रष्ट बताती रही है और उनको ब्रांड किया है सबसे भ्रष्ट चेहरे के तौर पर, और ये 31-32 महीने में दूसरी बार है जब बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। पहली बार वो सिर्फ 80 घंटे के लिए बने थे 2019 के नवंबर में, और इस बार अभी फिर वापस उनको, वो कुछ विधायकों के साथ गए हैं, तो एनसीपी के 8 विधायकों को मंत्री बनाया गया और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। सोचे, जिस व्यक्ति को पिछले 25 साल से बीजेपी करप्शन के प्रतीक के तौर पर प्रोजेक्ट करती रही हो, उसको जब मंत्री बना के, उप मुख्यमंत्री बना करके सरकार में शामिल किया गया है, तो उसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का बीजेपी का क्या नैतिक स्टैंड रह जाता है, क्या मोरल स्टैंड रह जाता है। देवेंद्र फडणवीस कल साथ में खड़े थे अजीत पवार के, जब वो शपथ लेने के बाद उनके साथ खड़े होकर के फोटो खिंचवाई। देवेंद्र फडणवीस का वीडियो कई लोगों ने, जिसमें बीजेपी के समर्थक ज्यादा हैं, उन्होंने सोशल मीडिया में वायरल किया है, जिसमें वो शोले फिल्म का डायलॉग बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अजीत पवार जेल जाएंगे और जेल में चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, वो एक्टिंग करके दिखा रहे थे शोले फिल्म की नकल करके, और उसके डायलॉग बोल रहे थे कि अजीत पवार जेल में जाएंगे और चक्की पिसेंगे। कल उनके साथ खड़े होकर के वो फोटो खिंचवा रहे थे। तो चाहे देवेंद्र फडणवीस का हो या बीजेपी की किसी भी नेता का हो, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि उनकी भी एक गारंटी है कि वो किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, तो अब इसके बारे में क्या कहेगी बीजेपी और वो किस तरह से इस बात को जस्टिफाई करेंगे, अपनी सभाओं में किस तरह से करप्ट लोगों के ऊपर हमला करेंगे। ये कहने का ये मतलब नहीं है कि अगर करप्ट लोगों पर वो हमला बंद हो जाएगा, वो करेंगे, हो सकता है कि वोट भी दे दें, वो तमाम लोग जो इस चीज़ को गलत मान रहे हैं वो भी हो सकता है वोट दे दें, लेकिन ये भी सही है, ये मानने की बात है कि अब वो इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि बीजेपी भ्रष्टाचार से लड़ने वाली पार्टी है या बीजेपी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पहले से भी कहा जा रहा था कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जो जितने भ्रष्ट नेता हैं वो आकर के धुल करके साफ हो जाते हैं, वो आरोप अब और उस आरोप की पुष्टि होगी और विपक्षी पार्टियाँ उसको बहुत हाईलाइट करेंगी। अजीत पवार अकेले नहीं है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जो मंत्री शामिल हुए हैं सरकार में, उसमें छगन भुजबल 2 साल जेल में रहे थे, इसी बीजेपी की सरकार ने जेल में डाला था और उनके ऊपर अभी मुकदमे लंबित हैं। सबसे क्लासिकल केस हसन मुशरीफ का है, जिनको लेकर के बीजेपी के एक बड़े नेता हैं वहाँ किरीट सोमैया, जो अपने को एक क्रूसेडर मानते हैं करप्शन के खिलाफ, तो किरीट सोमैया ने एक क्रूसेड चला रखा था हसन मुशरीफ के खिलाफ, उनके ऊपर 1,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा था और कुछ ही समय पहले पिछले ही महीने ईडी ने छापा मारा था उनके चीनी मिल परिसर पर छापा मारा था, और अभी हसन मुशरीफ अंतरिम जमानत पर है। अब सोचिए, प्रधानमंत्री और तमाम बीजेपी के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहते हैं कि ये जमानत पर छूटे हुए नेता हैं, और उधर एक जमानत अंतरिम जमानत पर छूटे हुए नेता को सरकार में शामिल कर लिया है महाराष्ट्र में। तो चाहे हसन मुशरीफ हों, अजीत पवार हों, छगन भुजबल हों, इस तरह के कई नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगे थे, अब वो मंत्री हो गए हैं। प्रफुल्ल पटेल भी उस जो टूट करके एनसीपी से अलग हुआ फैक्शन है उसके साथ चले गए हैं, और ये चर्चा है कि वो केंद्र में मंत्री हो सकते हैं। जो एविएशन घोटाला हुआ था उसमें ईडी ने एक बार उनसे पूछताछ की है, वो आरोपी नहीं है, लेकिन उनको आरोपी नहीं बनाया है ईडी ने, लेकिन उनके ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं। तो एक तो ये नैतिक स्टैंड बीजेपी ने अपना बहुत कमजोर कर लिया, बहुत खराब कर लिया। अब वो उस दावे के साथ नहीं कह सकती है कि वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है या करेगी, और कहेगी भी बीजेपी तो कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। दूसरा वैचारिक आधार है, वैचारिक कसौटी है। जो शिवसेना टूटी थी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, तब यही कहा गया था कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के एजेंडे से, हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता कर लिया है, वो हिंदुत्व के नाम पर जीते और कांग्रेस एनसीपी के साथ उन्होंने सरकार बना ली। तो ये उन्होंने विचारधारा से समझौता किया है, ये कहते हुए एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी थी। बीजेपी भी यही कहती थी कि उद्धव ठाकरे अपनी विचारधारा, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा भूल करके और एनसीपी कांग्रेस के साथ चले गए, जो एक तो भ्रष्ट पार्टी है और दूसरे हिंदू विरोधी है। तो जिस विचारधारा को लेकर के उद्धव ठाकरे पर हमला होता था, एनसीपी से तालमेल करने के लिए उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया जाता था, अब उसी एनसीपी से बीजेपी ने तालमेल कर दिया। तो ये क्या विचारधारा से समझौता नहीं हुआ? जिस पार्टी को आप हिंदू विरोधी ठहराते रहे हैं उसके साथ आपने तालमेल किया है, तो ये एक आइडियोलॉजिकल आपका कॉम्प्रोमाइज है। और तीसरा मुद्दा है राजनीतिक, क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा? बीजेपी के नेता अभी ये सोच रहे हैं कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और अजीत पवार गुट, एनसीपी का और बीजेपी मिल करके कमाल कर देंगे, अगले लोकसभा चुनाव में सारी लोकसभा की सीटें जीत जाएंगे 2-4 को छोड़कर। बीजेपी के नेता बता भी रहे हैं कि कौन कौन सी सीट होगी, नांदेड़ और रामटेक की सीट कांग्रेस जीत जाएगी और एक कोई सीट मुंबई की बताई जा रही है, जो सीट शिवसेना जीत जाएगी।
तो ये कहा जा रहा है कि 3-4 सीटें ही वो लोग जीत पाएंगे, बाकी सारी सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बीजेपी खुद ही शिवसेना से अलग हुए नेता एकनाथ शिंदे को एक लायबिलिटी मान रही है। उसको लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को तो ले आए, उनके साथ विधायक भी आ गए सत्ता के लालच में, लेकिन शिव सैनिक रह गए उद्धव ठाकरे के साथ। यानी वोट जो बालासाहेब ठाकरे का समर्थक था, जो वोट था वो उद्धव ठाकरे के साथ रह गया, लीगेसी उनके साथ रह गई। विधायक और नेता तो इधर आ गए शिंदे के साथ सरकार बनाने के लिए सत्ता के लालच में, लेकिन वोट नहीं आया। तो यही बात अजीत पवार के साथ भी होगी, वो चले जाएंगे, कुछ विधायक अपने मुकदमों के डर से, अपने मुकदमे खत्म कराने के लालच में, सत्ता के लालच में चले जाएंगे बीजेपी के साथ, चले गए हैं। लेकिन जब तक शरद पवार हैं तब तक जो एनसीपी का मराठा वोट बैंक है, वोट आधार है, वो शरद पवार के साथ ही रहेगा। अजीत पवार के साथ वोट नहीं ट्रांसफर होगा, थोड़ा बहुत वोट जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन वोट ट्रांसफर नहीं होता है। जनरली जो संस्थापक अध्यक्ष होता है पार्टी का, प्रादेशिक पार्टियों का, वोट उसी के साथ होता है। और ये मिसाल कई राज्यों में है, बिहार से लेकर के और पंजाब से लेकर के चारों तरफ। प्रकाश सिंह बादल से अलग होकर के मनप्रीत बादल अपने साथ कोई वोट नहीं ले जा सके थे, और न राज ठाकरे अपने साथ कोई वोट ले जा सके, और न पशुपति पारस चिराग पासवान से अलग होकर के वोट ले जा सके हैं, न लालू यादव से अलग होकर साधु यादव सुभाष यादव वोट अलग ले जा सके, न मुलायम सिंह से अलग होकर के शिवपाल यादव वोट ले जा सके, कोई नहीं ले जा पाता है। तो ये शरद पवार से अलग होकर के अजीत पवार वोट ले जाएंगे अपने साथ, इस गलतफहमी में कैसे है बीजेपी, ये समझ में नहीं आने वाली बात है। तो ये तीनों ग्राउंड पर आप कसेंगे इस बात को, मोरल ग्राउंड पर, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर, पॉलिटिकल ग्राउंड पर, तो बीजेपी के लिए ये नुकसान का सौदा है। और उल्टा अब ये होगा कि एकनाथ शिंदे भी अब संशय की स्थिति में होंगे, उनको लग रहा है अगर अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, अगर स्पीकर उनकी सदस्यता नष्ट खत्म करते हैं, अयोग्य ठहराते हैं, तो फिर वो बिदकेंगे, उनको लगेगा कि अजीत पवार के साथ मिलकर के बीजेपी ने उनके साथ गेम कर दिया है, खेल कर दिया है, तो अब वो सशंकित हो गए। फिर इसके आगे अगर और विचार करें तो टिकट बंटवारे की जब बात आएगी तो इन तीनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे का अलग झंझट होगा, लफड़ा होगा। तो ये हर तरह से पता नहीं, मतलब अगर आपात स्थिति होती, बीजेपी की सरकार गिरने वाली होती या कोई मजबूरी होती तब इनको साथ लेते, एक बात समझ में आती, लेकिन कोई मजबूरी नहीं थी। सिर्फ इसलिए कि विपक्षी पार्टी का गठबंधन नहीं होने देना है, तो इससे यह भी मैसेज आएगा कि विपक्षी पार्टियां मजबूत हो रही हैं, उनको कमजोर करने के लिए सरकार साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करके, भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत इस्तेमाल करके, केंद्र सरकार की ताकत इस्तेमाल करके, राज्य सरकार की ताकत इस्तेमाल करके विपक्ष को कमजोर करने की राजनीति कर रही है, क्योंकि वो विपक्ष से घबराई हुई है। और एक सवाल यह भी है कि अगर पिछली बार की तरह अपने मुकदमे खत्म करा करके या राहत लेकर के ये सारे नेता वापस शरद पवार में चले गए, उनकी पार्टी में चले गए, तो फिर क्या होगा? ये 2019 में हुआ था कि 80 घंटे के लिए उप मुख्यमंत्री हुए थे बीजेपी के साथ अजीत पवार, और पहले 24 घंटे में ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने, जो महाराष्ट्र का एंटी करप्शन ब्यूरो है, उसने सिंचाई घोटाले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया था कोर्ट में। ये अलग बात है कि कोर्ट ने अभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर दाखिल हो गया था। और अभी पिछले दिनों भी ईडी ने उनको क्लीन चिट दी है एक मामले में, अजीत पवार उनकी पत्नी को। तो अब अगर ये सारे लोग अपने को अपनी धुलाई करा करके वॉशिंग मशीन से साफ सुथरे हो जाएं और चुनाव के समय फिर शरद पवार के साथ चले जाएं, तब क्या करेगी बीजेपी? तो ये किसी भी पहलू से देखें तो ये कोई फायदे का सौदा नहीं है बीजेपी के लिए। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।